करने वाले हैं GTT ऑर्डर के बारे में। GTT ऑर्डर की जानकारी की ओर आगे बढ़ने से पहले हम बात करेंगे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हम शेयर को कैसे बाय कर सकते हैं, शेयर को कैसे सेल कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको कंप्लीट जानकारी प्रोवाइड की थी। अगर आपने ये जानकारी को नहीं देखा है या मिस कर दिया है तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके इन जानकारी को देख सकते हैं या आप आई बटन पर जाके इन जानकारी की ओर आप ध्यान दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले GTT ऑर्डर के बारे में कि GTT ऑर्डर क्या होता है, इस ऑर्डर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम ये GTT ऑर्डर के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं कि GTT ऑर्डर क्या होता है। एक्चुअली अगर आपके पास मान लो कि मार्केट में प्रॉपर टाइम नहीं है, अगर आपने कोई डिलीवरी को स्टॉक को बाय करके रखा है, आपने कोई शेयर खरीदा है, सपोज़ मान लेते हैं कि आपने शेयर को 100 रुपये पर खरीदा है और पता है कि यह शेयर आगे चल के 150 रुपये के प्राइस दिखा सकता है, लेकिन 50% का रिटर्न की हम जहाँ पर बात करते हैं या मान लो कि शेयर 120 रुपये का प्राइस दिखा सकता है, मतलब कि 20% का रिटर्न है, तो 20% का रिटर्न जो है कि हमको सेम डे मिलना मुश्किल है और 50% का रिटर्न जो है इसको हमको कुछ होल्डिंग बेसिस पे हमको देखने को मिलेगा। इस कंडीशन में हमारे पास समय नहीं है और हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक ऐसे ऑर्डर को पुट कर दें जो अपने आप लगे और जब तक हमारा टारगेट नहीं है तब तक ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली लगते रहे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं GTT ऑर्डर का। GTT ऑर्डर का मीनिंग होता है गुड टिल एंड ट्रिगर ऑर्डर। यह ऑर्डर जब हम लगाते हैं तो एक बार ये ऑर्डर पुट करने के बाद ये 1 साल तक के लिए वैलिड होता है। ये ऑर्डर डेली 9 बजे लग जाएगा और 3:30 बजे अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यह प्रोसेस तब तक के चलेगी जब तक कि आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, यानी कि आपका सौदा जो है ये कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक कि आपका यह ऑर्डर ऑटोमेटिक लगेगा और ऑटोमेटिक कैंसिल होगा। इस ऑर्डर के कोई भी चार्जेस नहीं होते हैं, ये सर्विस टोटली फ्री होती है। आज के इस वीडियो में हम यही टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि हम GTT ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं और इसका यूज़ हम किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर N1 एप्लीकेशन का यूज़ करने वाले हैं और N1 एप्लीकेशन पर हम आपको पूरी जानकारी यहाँ पर प्रैक्टिकली बताएंगे। तो यहाँ पर हम N1 एप्लीकेशन को लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको N1 एप्लीकेशन का होम पेज आपको यहाँ पे साइड में देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आपके पास N1 का डीमेट अकाउंट नहीं है तो मैंने बेस्ट ऑफर्स के साथ फ्री डीमेट अकाउंट ओपनिंग लिंक को डिस्क्रिप्शन में लगा के रखा है, आप आज ही अपना डीमेट अकाउंट N1 के साथ ओपन करें। अब यहाँ पर जैसे कि आपको कोई भी स्टॉक को बाय करना है तो बाय करने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पर आपको एक वॉचलिस्ट का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस वॉचलिस्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर एक वॉचलिस्ट देखने को मिल जाती है। इसके अंदर आप सर्च ऑप्शन में जो भी स्टॉक को आप लेना चाहते हैं या जो स्टॉक आपके पास है उसको आपको यहाँ पे सर्च करना होगा। जैसे सर्च करते हैं तो आपके पास यहाँ पे डन करके आप ऑर्डर उस स्टॉक को आप ऐड कर सकते हैं। अब स्टॉक में आपको जैसे कि GTT ऑर्डर प्लेस करना है, मैं आपको यहाँ पे निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बता रहा हूँ। आप यहाँ पे ऑप्शन में या आप चाहो तो स्टॉक में जिसमें भी आपको GTT ऑर्डर लगाना है लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे बाइंग का बता रहा हूँ, बाइंग किस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज हमें जो निफ्टी का ऑप्शन है 19,800 का, ये 94 रुपीज़ चल रहा है। अब जैसे कि मान लो कि इससे हम बाय करना चाहते हैं तो बाय करने के लिए इसके ऊपर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे आपको बाय का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस बाय ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चुनना है कि कैरी फॉरवर्ड का ऑप्शन। इंटरडे में यह ऑप्शन वैलिड नहीं होता है, यह ऑप्शन कैरी फॉरवर्ड के लिए ही रहता है। या अगर आप स्टॉक को ले रहे हैं तो आपको स्टॉक को यहाँ पे डिलीवरी सेट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड में लेता हूँ, यहाँ पे नंबर ऑफ लॉट 1 लॉट मेंशन करता हूँ। एक लॉट में जो निफ्टी की क्वांटिटी आती है ये 50 क्वांटिटी आती है। अब 50 क्वांटिटी में अब यहाँ पर हमें एक स्मार्ट ऑर्डर का एक टेप देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको 2 ऑप्शन यहाँ देखने को मिलेंगे। एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको स्टॉप लॉस का। इस स्टॉप लॉस के बारे में मैं आपको जानकारी आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड करूँगा कि स्टॉप लॉस ऑर्डर होता क्या है, स्टॉप लॉस ऑर्डर के बेनिफिट क्या है और स्टॉप लॉस ऑर्डर हम किस प्रकार से लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे नीचे में एक सेकंड ऑप्शन देखने को मिलता है GTT ऑर्डर। GTT ऑर्डर को हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये बटन पे हम यहाँ पे प्रेस कर देंगे। जैसे करते हैं तो हमारे सामने GTT ऑर्डर जो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे आपको 2 प्राइस देखने को मिलेंगे, एक आपको 80.60 और एक आपको देखने को मिलेगा 84.65। अभी करंट प्राइस चल रहा है 94 का। अगर आपको लगता है कि ये ऑर्डर आप नीचे लेना चाहते हैं तो इसको आप किस प्रकार से सेट कर सकते हैं, आप तो लिमिट में भी लगा सकते हैं ये ऑर्डर को। या अगर आपके पास समय नहीं है, आपको लगता है कि ये स्टॉक जब भी है आज या कल जब भी इसका प्राइस है तब आप लेना चाहते हैं, तो सपोज़ मैं इस ऑर्डर को यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसको का प्राइस कर देता हूँ जैसे 60 रुपये का और यहाँ पर कर देता हूँ मैं इसका प्राइस जो है ये इसको तो मैं एज इट इज़ ही आपको रखना है, मतलब कि हम यहाँ से करंट प्राइस से इसको 36 पॉइंट डाउन लेना चाहते हैं, इसको सेट कर देंगे। और यहाँ पर जो अगला लिमिट है इसको कर देते हैं यहाँ पर 60 रुपये लिया है तो इसको 62 रुपये कर देते हैं। और इतना करने के बाद यहाँ पे क्रिएट GTT पे कर देते हैं। अब अगर आप यहाँ पे डू नॉट शो पे क्लिक कर दें तो आपके पास दोबारा मैसेज ही नहीं आएगा। हम यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि हमारा GTT ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो चुका है। अब यह क्लोज़ कर देंगे तो हमारा GTT ऑर्डर जो है आपको GTT का एक ऑप्शन N1 एप्लीकेशन पर लास्ट में देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको ये ऑर्डर जो है ये शो होने लगेगा। अगर आप इस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं तो कैंसिल करने के लिए आप यहाँ पर डायरेक्ट इसको क्लिक करेंगे
और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे कैंसिल का एक बटन देखने को मिलेगा, इसको क्लिक कर देंगे हमारे पास ये कैंसिल हो जाता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे ऑर्डर को कैंसिल कर सकते हैं। ये तो हमें आपको बताया GTT ऑर्डर को बाइंग करने के बारे में। अब हम वापस हम इसको सेल करने के बारे में बताते हैं। सपोज़ आपने यहाँ पर निफ्टी का एक ऑप्शन को लेके रखा है, ऑप्शन लेने के बाद ये ऑप्शन आपका मुनाफे में चल रहा है। सपोज़ मान लो आपने इसको 60 रुपये पर लिया था, ये 90 रुपये चल रहा है, लेकिन आपको लगता है कि ये स्टॉक आज मार्केट बंद हो गया है तो कल या परसों जब भी इसका प्राइस 150 रुपये जाएगा आप इसको वहाँ पे बेचोगे, तो यहाँ पे सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको कैरी फॉरवर्ड में हमने इस ऑप्शन को लेके रखा है, इसलिए हमें यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड ही सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे स्मार्ट ऑर्डर पे वापस क्लिक करना होगा जो आपको नीचे देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करते हैं, क्रिएट GTT पे प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ से जो प्राइस दिखा रहा है 10% ऊपर का दिखा रहा है। अब हमें चूँकि ये स्टॉक को जो है 150 रुपये पर बेचना चाहते हैं इस ऑप्शन को, आप इसको स्टॉक में भी लगा सकते हैं, फ्यूचर में लगा सकते हैं, ऑप्शन में लगा सकते हैं, सब में ये काम करेगा। इसके बाद सेट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर जो अगला प्राइस है इसको हम थोड़ा बढ़ा के रखेंगे, मतलब 152 रुपये कर देंगे, या आप चाहो तो यहाँ पे 149 इसको कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइस है एग्जैक्ट उससे थोड़ा कम प्राइस रखो तो वो जल्दी हमारा ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है। इतना करने के बाद हम इसको सेट कर देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, क्रिएट GTT पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा नंबर ऑफ लॉट हमने मेंशन किया था, हम यहाँ पे एक लॉट को सेल करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम तभी कर रहे हैं हमारे पास यहाँ पे पहले से पोजीशन रखी हुई है और वो हमें बेचना है ऊपर के प्राइस पे। हम यहाँ पे क्रिएट GTT पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कंफर्म ऑर्डर पर प्रेस करेंगे, हमारा GTT ऑर्डर यहाँ पे सेलिंग का लग जाता है। ये ऑर्डर आपको उस समय यूज़ करना जब मान लो कि आपने कोई स्टॉक को बाय करके रखा है और स्टॉक बाय करके रखा है और आप उसको आपको पता है कि इसका लेवल जो है आने वाले समय में 100 रुपये का स्टॉक या 1000 रुपये का स्टॉक आपने जो भी बाय करके रखा है, आपको लगता है कि आने वाले समय में आपको 100 रुपये का स्टॉक 120-130 भी जा सकता है, या 1000 रुपये का स्टॉक जो है ये 1050 या 1100 या 1200 जो प्राइस जा सकते हैं, तो आप उसको यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्लोज ऑप्शन पे क्लिक करना, आपका ऑर्डर यहाँ पे लग जाएगा। ये ऑर्डर तब तक कि आपका लगते रहेगा जब तक कि आपकी पोजीशन जो है ये स्क्रैप नहीं हो जाती है, मतलब कि आपका ऑर्डर कम्प्लीट नहीं हो जाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपने सीखा कि GTT ऑर्डर क्या होता है, GTT ऑर्डर हम कैसे लगा सकते हैं, GTT ऑर्डर से हम इस ऑप्शन को कैसे या स्टॉक को कैसे बाय कर सकते हैं और स्टॉक को हम सेल कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई स्टॉक डिलीवरी में रखा है तो हम उसको किस प्रकार से यहाँ पे ऑर्डर लगा सकते हैं। ये सारी बातें आपको आज के इस वीडियो में सीखने को लगी, उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट जानकारी पहुँचे। अगर आप ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि स्टॉक मार्केट कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हुई हर एक लेटेस्ट अपडेट आपको समय समय पर मिल सके। मिलते हैं दोस्तों अगले नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, नमस्कार।